किस्मत का फेर देखिए, पान सिंह ने पहले सूबेदार बनकर फौज में नाम कमाया, फिर धावक बनकर दौड़ के मैदान में नाम रोशन किया, और अब वो डकैत बनकर चंबल में अपने नाम का सिक्का चला रहा था। कहते हैं कि उस दौर में पुलिस तो पुलिस, मलखान और फूलन देवी जैसे डाकू भी पान सिंह के नाम से थर थर कांपते थे। कभी देश के लिए ट्रैक पर दौड़ने वाला पान सिंह अब पीहड़ों में दौड़ रहा था। कुछ ही महीनों में पीहड़ों को रौंदते हुए पान सिंह पूरी चंबल घाटी का सबसे बड़ा डकैत बन गया। कांटों से भरी इस चंबल घाटी में शेर नहीं होते, लेकिन दुनिया ने पान सिंह को नाम दिया चंबल का शेर। पान सिंह जब एक बार दहाड़ता तो पूरी चंबल की घाटी थर्राने लगती। खुद पुलिस वाले भी पान सिंह के नाम से कांपते थे। ये हम नहीं कह रहे, मध्य प्रदेश पुलिस के सबसे जांबाज ऑफिसर और पान सिंह का एनकाउंटर करने वाले रिटायर्ड डीएसपी एमपी सिंह चौहान खुद इस बात को मानते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि उस समय की पुलिस जो थी वो कई बार, कई लोग अधिकारी थे तो पान सिंह से डरते थे, सच? हाँ, ये बात तो सच है। उसका टेरर पुलिस पे भी था। पुलिस हमने माइक लगाया, तेज पुलिस ने घेर लिए तो डांडे पे खड़े है के बैटरी वाला माइक था। उन्हें आवाज दी कि डकैत सूबेदार पान सिंह भड़ौसा, अपने बीवी बच्चे पालो, क्यों मरते हो साले हो, फायर ऊपर को दे रहे, रास्ता दे दो, निकल गए जाओ। पान सिंह का नाम बीहड़ों से निकलकर अब भोपाल और दिल्ली में बैठी सरकारों को परेशान कर रहा था। पान सिंह के पीछे प्रदेश और केंद्र का भेजा गया पूरा फोर्स झोंक दिया गया। उसमें गवर्नमेंट ने बीएसएफ की करीब 10 कंपनियां लगाई थी, एसएएफ की 10-15 कंपनियां थी, डिस्ट्रिक्ट फोर्स अलग था। बड़ी कोशिशें की गई, बड़ी दबिशें दी गई, मगर ये निकल गया यहाँ से, कब्जे में नहीं आ पाया और करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के खर्च हो गए, करोड़ों, कई करोड़ का तो पेट्रोल और डीजल खर्च हुआ होगा गाड़ियों पे। 6.5 फीट ऊंचा कद, मजबूत शरीर और लंबे पैर, बिहड़ में पान सिंह की ये सबसे बड़ी ताकत थी। ट्रैक पर मेडल के लिए दौड़ने वाला पान सिंह जब बिहड़ों में दौड़ता तो पुलिस बस देखती रह जाती। पुलिस पान सिंह को पकड़ने के लिए महीनों तक जाल बिछाती, लेकिन पान सिंह मिनटों में उसे चकमा देकर इन बिहड़ों में गुम हो जाता। डाकू पान सिंह का ऐसा आतंक था कि जब तक वो जिंदा रहा उसके दुश्मन कभी चैन की नींद नहीं सो पाए, और इन्हीं में से एक हैं वीरेंद्र सिंह। ये तो उनकी किस्मत है कि वो आज जिंदा हैं। 3 साल हम सतर्क रहे, मेरे साथ फोर्स रहा, जाने आने में भी फोर्स रहता था हमारे साथ। फिर 1 साल में कानपुर भी चला गया, कानपुर भी मैंने समय व्यतीत किया। पान सिंह अगर दुश्मनों का दुश्मन था तो दोस्तों का दोस्त, और अब पान सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस को उसके दोस्तों की तलाश थी। देश के लिए चंबल घाटी से सर्वेश पुरोहित के साथ प्रखर श्रीवास्तव। 1981 में पान सिंह का भाई मातादीन पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। बदले में पान सिंह ने गुर्जर समुदाय के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस नरसंहार से मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया, और ऊपर से पान सिंह ने एक और गलती कर दी। उसने सीधे सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को चैलेंज कर दिया। पान सिंह के लिए ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की सरकार को अब किसी भी कीमत पर पान सिंह चाहिए था, जिंदा या मुर्दा। और सरकार के इस फरमान को पूरा करने का बीड़ा उठाया जांबाज पुलिस ऑफिसर एमपी सिंह चौहान। चौहान को पूरा भरोसा था कि पान सिंह गोहद थाने के रठियापुरा गांव में रुकता है। उन्होंने गांव के लोगों को नौकरी का लालच दिया और मिल गया पान सिंह का पहला सुराग। इनने हमसे पूछी
काय साहब कछु काम करा दें तरक्की आ जाएगी। मैं वही की भाषा बोल रहा हूँ, तुमने कहा है जाएगी तो फिर आपको वो दिलवाते ऐसे उचके कंधे उचका है, क्योंकि पान सिंह जब चलता था तो कंधे उचका के चलता था। ये हम लोग जानते थे क्योंकि इसकी हिस्ट्री शीट पड़ी हुई थी पूरी, तो मेरी तो बाछे खुल गई। तारीख थी 1 अक्टूबर 1981। मुखबिर ने खबर दी कि पान सिंह गांव में रुका हुआ है। चौहान ने आला अधिकारियों को खबर दी और अपने 12-13 जवानों के साथ इलाके को घेर लिया, जहां पान सिंह और बलवंत अपने गैंग के साथ छुपे थे। 30 साल बाद भी बलवंत और एमपी सिंह चौहान को वो पल याद है जब दोनों का हुआ था आमना सामना। देखा तो चौगिद्दी पुलिस वाले टोपिन से हवा कर रहे, इस नकल बैठे मैंने बताई आए गए बनी चाचा बनी घेरा गिर गया, ये क्या बकता है बनी बकतना ने, तुमने कल ही मैंने कही बने गई आपका क्या बिगड़ेगा, बने गई दोनों बच्चे आर्मी में, मेरा तो मैंने की सुपड़ा साफ हो गया। ये भग के गया गांव में और इसने पान सिंह से की कक्का पुलिस के कुत्ता है 6-7। तो पान सिंह ने उस आदमी से कही मुतिया से कहा टपकाए थे जिन्हें, तो मोती पानी में गिर गया, महाराज ऐसा मत करिए पुलिस गांव खोद देगी। पान सिंह भागने के लिए घर से निकला और उधर से एसपी की टीम भी सीधे गांव के अंदर पहुंच गई। एसपी उधर से आया तो एसपी घुसा ही चला गया गांव और इतना अंदर घुस गया गली में आमना सामना हो गया पान सिंह का और एसपी का, सीने से सीना टकरा गया और एसपी ने उसको धक्का दिया, उसने उसको धक्का दिया और गोली चली शुरू हो गई 7:05। सिलेंडर हो जाओ नहीं कि मारे जाओगे, कौन हो तुम लोग, हथियार डालिए, उठाए गए हमने फैर झोंक दाओ बस, फिर ना कान दही सुनाई पड़ी तर 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 तर। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि पान सिंह घिर चुका है। फोर्स की फोर्स मौका वारदात पर पहुंच रहे थे। कहते हैं करीब 10,000 के फोर्स ने पान सिंह पर घेरा डाल दिया था, लेकिन पान सिंह से कोई आमने सामने लोहा ले रहा था तो वो थे सिर्फ एमपी सिंह चौहान। बस हम इतना बात ही कर रहे तब तक उधर से गोली चलनी शुरू हो गई, बस समझ गए पुलिस वाले बैठे, तो हमने जस्ट फायरिंग शुरू कर दी और त्रिभुवन सिंह हवलदार का पहला फायर तो लगा, पान सिंह यहाँ लगा सर ये गिर पा और धना पेट गाली गोली चलती थी। तो जैसे ही हम नहर में पहुंचे जाएगा और जिनने पीछे थे माइक लगा दी, समझो कि पतली दाल खाने वाले मारे जाओ डकैत सूबेदार पान सिंह भड़ौता। तो LMG का जितना बस्ट फायर आ रहा था पुलिस का वो ऊंचा आ रहा था, तो वो आवाज से इनने बैरल नीचे करके और बम्बा मिलमा बस्ट दिया। करीब सवेरे 3:30 बजे पान सिंह चिल्लाया बलवंता बलवंता मोए पानी पे आए, बलवंता ने जवाब नहीं दिया। इधर इनने सीना उखा था कि हम बलवंत के बराबर पहुंच जाए, सोच जी यहाँ पर मोहजने को परो माइक पे, तो माइक ने आवाज दी कि हम लला बलवंत मर गए। दो अक्टूबर 1981 की सुबह सूबेदार पान सिंह तोमर एक डकैत की मौत मर गया और इसी के साथ खत्म हो गई एक फौजी एक खिलाड़ी के डकैत बनने की कहानी। इन बिहड़ों में डकैत पैदा नहीं होते, वो सिर्फ यहाँ पर पनाह लेते हैं। पान सिंह की भी यही कहानी है, वो भी समाज का हिस्सा था, उसने भी फौज में रहकर देश की सेवा की, उसने भी ट्रैक पर दौड़कर देश के लिए मेडल जीते, लेकिन इस सिस्टम ने उसे बागी बनकर इन बिहड़ों में भटकने के लिए मजबूर कर दिया और जब तक ये बिहड़ रहेंगे पान सिंह के भटके हुए कदमों के निशान यहां मिलते रहेंगे। देश के लिए चंबल घाटी से कैमरामैन भूपेंद्र राजपूत के साथ प्रखर श्रीवास्तव। तो देश की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला 23 पर लगातार जारी है।